राजस्थान में इस बार बाजरे की बंपर पैदावार हुई है और केंद्र सरकार ने 2150 रुपए MSP भी तय की रखी है। बावजूद इसके बाजरे का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। राजस्थान में देश का 41% बाजरा पैदा होता है। इस बार बंपर पैदावार और 2150 रुपए MSP के बाद किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन मंडियों में बाजरे के 900 रुपए प्रति क्विंटल भी नहीं मिल पा रहे हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी किसानों के घावों को कुदेड़ते हुए राजस्थान से आने वाली बाजरे की फसल को इस बार खरीदने से इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के बाजरा उत्पादक किसान शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के पास ऊंट से प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इन किसानों का कहना था कि MSP पर खरीद नहीं होने से उन्हें प्रति क्विंटल 900 से 1000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान में देश का 41% यानी कि कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है। केंद्र सरकार ने जिन 24 खाद्यान्न फसलों के लिए MSP निर्धारित की है उसमें बाजरा भी शामिल है, फिर भी राजस्थान में MSP पर इसकी खरीद नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की शर्त है कि वह तभी MSP पर इसे खरीदेगी जब राज्य सरकार PDS में गेहूं के बदले उससे बाजरा ही ले, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र सरकार इस बाजरे को खरीदकर इसका करेगी क्या, क्योंकि जब उत्पादक राज्य ही इसका उपभोग नहीं करना चाहता तो अन्य राज्य इसे क्यों लेंगे। बाजरे का स्टोरेज भी बड़ी समस्या है, चूंकि ये महज 3.5 से 4 महीने में ही खराब हो जाता है, इसके केंद्र भी इसकी खरीद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। दूसरी वजह यह भी है कि राजस्थान में करीब 24 लाख टन का उत्पादन होता है, इसमें से खाने की जरूरत 5 से 7 लाख टन से ज़्यादा नहीं है, यानी 20 लाख टन बाजरा सरप्लस है। ऐसे में भले ही बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपये है, लेकिन महज 900 से 1100 रुपये क्विंटल के दाम पर ही खरीदा जा रहा है, यानी कि इसमें एक टन पर 10,000 रुपये से ज़्यादा का अंतर है। अब राज्य सरकार यदि इस नुकसान की भरपाई करती है तो उसे 2000 करोड़ रुपये चाहिए और यह बोझ राज्य सरकार खुद वहाँ नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।